यहाँ पे मैं आपको दो क्लिप्स दिखाऊंगा। पहला क्लिप्स आर्यन खान का है, बताने का कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं और यहाँ की मीडिया और भी ज़्यादा समझदार है। जिस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए वो हाईलाइट करती नहीं है और जिस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहिए वो इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देती है या बच्चे बच्चे को पता रहता है। और इसके बाद जो क्लिप्स प्ले होगा वो एक सरकारी अस्पताल से है। वहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली एक फीमेल डॉक्टर थी, वो काम कर रही थी, वहाँ पर कुछ आदमी ने उन्हें उनके साथ छेड़खानी की। वहाँ पर जो मेल डॉक्टर साहब थे उन्होंने अपोज़ किया और उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये वीडियो ना तो किसी मीडिया ने आपको दिखाया होगा, ना तो ये क्लिप्स आपने कहीं फेसबुक पेज पे देखा होगा या इंस्टाग्राम पे देखा होगा। तो यह हाल है हमारे देश का, जिसे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए उसे कुटाई मिल रही है और जिसे कुटाई मिलनी चाहिए उसके लिए बैंड बाजे गाजे के साथ उसका स्वागत किया जा रहा है। तो ये तो डिफरेंस है। और मैं सच बताता हूँ, जो भी हमारे देश के लोग हैं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह कुछ लोग होते हैं जो कि नाम खराब कर देते हैं और वो लोग सच में डॉक्टर को डिजर्व नहीं करते हैं। आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, मीडिया वाले देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे कितना सारा कैमरा है, लेकिन वो न्यूज़ आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। और इनफैक्ट वो जो पोस्ट डला हुआ था उस पोस्ट के नीचे मैंने देखा बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, क्या डॉक्टर सी होता है, डॉक्टर एम होता है, जो भी है इसने कुछ गलत किया होगा, ज़्यादा पैसा लिया होगा इसलिए। भाई अगर इतनी कैपेसिटी है, मैं चैलेंज करता हूँ, डॉक्टर बन के दिखा दो। 12 साल लग जाते हैं बच्चे, फिर एक डॉक्टर तैयार होता है। तो हमारे देश के मीडिया वालों की तरह किसी भी चीज़ को शेयर फालतू का ना करें और ना उस पर कमेंट करें। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि मैंने जो डॉक्टर साहब वाला वीडियो दिखा उस पर बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स वहाँ पे लिखे हुए थे। तो बिना सोचे बिना समझे कहीं भी आलतू फालतू कमेंट करना बंद करें, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है डॉक्टर बनने में। ये नहीं है किसी भी सीप पे गए, गांजा फूंक लिया और डॉक्टर बन गए, ऐसे नहीं बनता डॉक्टर। तो आगे से थोड़ा सावधान रहिएगा।